हमारे हरियाणा प्रदेश में भाजपा भी 10 के 10 पे दावे जता रही थी, 10 के 10 पे कांग्रेस भी जता रही थी। लोगों ने उनकी बार जो वोट किया है वो एनडीए वर्सेस इंडिया में किया, जो लोकसभा का वोट था। और हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें आज भाजपा को मिली है, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने अपनी मर्जी से एनडीए पे प्रेशर रखा और प्रेशर रख करके जहाँ हमें एनडीए में शामिल नहीं होने दिया। एनडीए के बहुत सारी लीडरशिप चाहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसकी पार्टनर इंडिया जो है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो हरियाणा से हुई थी और वो हमारे मंच से हुई थी। सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर हमने जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं इन सबको निमंत्रण दिया था, बुलाया था, और वहीं पे ही ये तय हुआ था कि हम सबको इकट्ठा होकर के अगला चुनाव लड़ना चाहिए। और वो सारे के सारे ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने, हिस्सा बने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए कहीं अपनी मनमर्जी चलाता, कांग्रेस पे दबाव बना के रखा। कांग्रेस उसके दबाव में क्यों आई ये तो कांग्रेस बताए, उनके बड़े नेता बता सकते, लेकिन उसने बहुत प्रेशर रखा। उसी का नतीजा ये निकला कि 5 सीटें जो है इंडिया की कम होगी और भाजपा को मिली। भाजपा में फिर इस बात को लेकर के कहीं थोड़ी सी जान आ गई दोबारा हरियाणा, अब भी हम कहीं ना कहीं फिर सत्ता पे काबिज हो सकते। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लोगों के फैसले अलग होते हैं। हमने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है। गांव के अंदर जब चुनाव होता है, सरपंच का, पंच का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, 4 वोट डाल के आता है, 1 मत आता है। और वहाँ पे भी कई दफ़ा राजनीतिक तौर पे अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग चारों का अपना वोट नहीं डालते। कौन पसंद है, कौन ना पसंद है, उस हिसाब से अपना वोट डाल करके आते हैं। यही हालत आपके शहरों में है। यहाँ पे भी मेयर के चुनाव में अलग वोट मिलेगा, आपके वार्ड का जो पंच है जो चुनाव लड़ रहा है, नगर परिषद का मेंबर, नगर पालिका का मेंबर, उसका वोट अलग जाएगा। लोकसभा का वोट जो है वो था देश की सत्ता का बदलाव, देश में सत्ता बनाना और देश की सत्ता में बदलाव करना। अब जो चुनाव होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में सत्ता का परिवर्तन करना।